So, welcome student. In this lecture, we will see how your auto transformer starter works for an starting of induction motor. तो यहाँ पे डायग्राम मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये मैनुअल ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। अब आपको पता है ट्रांसफार्मर करता क्या है। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वी हैव गॉट अ सिंगल वाइंडिंग विच एक्ट्स एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो एक ही वाइंडिंग प्राइमरी की तरह भी काम करती है और सेकेंडरी की तरह भी काम करती है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने जैसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से 5 to 6 times जो है वो करंट जो है स्टार्टिंग करंट इंडक्शन मोटर का ज़्यादा होता है नॉर्मल रेटिंग करंट से। सो उसको स्टार्ट करने के लिए हम पिछले लेक्चर से ही पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के स्टार्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। हमने देखा एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग था जिसमें हम फुल वोल्टेज को यूज़ करते हैं, वेयर एज स्टार डेल्टा स्टार्टर्स में हमने देखा कि हम लोग उसको रिड्यूस्ड वोल्टेज में यूज़ करते हैं, रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग भी उसको हम बोलते हैं। सो उसी की में आगे है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। सो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में वी हैव ऑटो ट्रांसफार्मर विच सप्लाइज अ रिड्यूस्ड वोल्टेज एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट एंड व्हेन योर मोटर स्टार्ट रनिंग वो उसको फिर हम लोग फुल वोल्टेज पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने किस तरह से ये स्टेटर है, ये आपका रोटर है और स्टेटर को आपने ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आप वाइंडिंग देखें, ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग जो ये जो आपका पॉइंटर है ये मूविंग पॉइंटर बोलते हैं, जो जितने वाइंडिंग्स को ये कनेक्ट करेगा उतनी ही वाइंडिंग्स को आप उतने ही, क्योंकि हमने देखा कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो वोल्टेज है दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी वाइंडिंग आपकी लिंक कर रही है। तो यहाँ पे आप जितनी वाइंडिंग को लिंक करोगे आपका उतना ही वोल्टेज जो है आपकी इंड्यूस्ड होगी और वो वोल्टेज आप जो है स्टेटर को सप्लाई करेंगे। सो यहाँ जब आपने देखा तो एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ये स्विच जो है स्टार्ट का पॉइंट है, तो स्टार्ट के पॉइंट में जब आप इसको लाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने वाइंडिंग्स को कहीं सेंटर में रखा हुआ है। सो दैट मीन्स एट दिस पॉइंट वी आर गिविंग रिड्यूस्ड वोल्टेज टू स्टेटर। सो आप छोटी कम वोल्टेज से स्टेटर को दे रहे हैं और वो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपकी मोटर रन करना शुरू करती है उसके बाद ये स्टार्ट पॉइंट को आप उठा के यहाँ पे रन पॉइंट पे डाल देंगे। जब आप इसको रन पॉइंट पे डाल देंगे तो आपका यहाँ से पूरी की फुल वोल्टेज जो है इन वाइंडिंग्स को मिल जाएगी, राइट। सो बड़ा सिंपल सा है, इसमें आप देखें दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपने देखा ये ऑटो ट्रांसफार्मर की 3 वाइंडिंग्स हैं, राइट, और इन वाइंडिंग्स के ये पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर्स कहीं बीच में आपने देखा लिंक कर रहे हैं। इसका मतलब वी आर नॉट यूजिंग द फुल कॉइल्स, वी आर यूजिंग लेस कॉइल्स, तो इसलिए रिड्यूस वोल्टेज से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है और ये स्टार्ट में आपने पॉइंट्स को यहाँ पे रखा हुआ है। उसका जब इसको आप यहाँ पे उठा के रख देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, राइट। सो आपकी ये इस वाइंडिंग को आपकी कौन सी वोल्टेज लग जाएगी, आर फेज मिल जाएगा। ये जब यहाँ आ जाएगा, ये जब यहाँ आ जाएगा तो ये वाई फेज जो है इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली दिस पॉइंट विल कम टू दिस एंड दिस विल कम टू दिस, दैट मीन्स बी फेज जो है वो इस वाइंडिंग को स्टार्ट हो जाएगा। सो नाउ योर स्टेटर विल गेट फुल आर वाई बी वोल्टेज, राइट। सो दिस वॉज योर थर्ड स्टार्टर जिसको हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये मैनुअल ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट, क्लियर हो गया आपको। सो इस तरह से हमने तीनों तरह के स्टार्टर्स पढ़ लिए, राइट। लेकिन ये तीनों तरह के स्टार्टर जो हमने पढ़े हैं ये बेसिकली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर्स हैं, राइट। क्योंकि हमें आपको पता है कि स्क्विरल केज में क्या होता है कि वी डोंट हैव एनी कनेक्शन ऑन द रोटर साइड। लेकिन अगर हम वाउंड रोटर मोटर की बात करें तो हमारे पास वाउंड रोटर मोटर में क्या है, रोटर साइड के कनेक्शंस होते हैं। सो हमारे वाउंड रोटर मोटर के जो स्टार्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर्स, राइट, ठीक है। सो विद दिस वी विल क्लोज दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।